हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जिस तरीके से अपन ने लैग्रांजियन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस बीच में अपन ने पोर्शन में ये देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर क्वेश्चंस बहुत कम करवाए गए, तो इसलिए मैंने ये दो वीडियो कम्प्लीट क्वेश्चंस पे ही, या पीछे वाला वीडियो भी कम्प्लीट क्वेश्चंस पे था। और हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन का कन्वर्जन का आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो, इजीली आप हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन और लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन जा सकते हो। तो एक बात आज अपन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, तो चलो अब नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और गेट में इसके साथ साथ इसके अटेस्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, साथ में मैंने वो नहीं लिखा है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो यदि लैग्रांजियन आपको फाइंड आउट हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास एम स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द पैराबोलिक पाथ वाई इक्वल्स टू ए इज एक्स स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, हेयर ए इज कॉन्स्टेंट, ए इज ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर और फ्रिक्शन लेस है, तो इसके लिए क्या है, अपने वो पैराबोलिक पाथ में ये स्लाइड कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या पता करना है, लैग्रांजियन पता करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा था लैग्रांजियन फॉर दिस पार्टिकल इज गिवन बाय, ये आपको ऑप्शंस गिवन थे वहां पे। तो देखो इजीली मैंने ये कंसेप्ट करा चुका हूं, बार बार इतने कराने की जरूरत है नहीं इन कंसेप्ट्स को, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अपने को क्या करना है। देखो टू डायमेंशनल है और मैं इसका करवा चुका हूँ काफी बार पीछे के प्रीवियस वीडियो में। अब आपको करना क्या है इसमें, ओनली देखो टू डायमेंशनल है तो काइनेटिक लैग्रांजियन लिखने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, मैनली काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी टू डायमेंशन के लिए मैंने बता चुका हूँ क्या होती है, हाफ क्या होगी, देखो एम मास है इसका और एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ये लो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। दैट इज काइनेटिक एनर्जी आने के बाद में आपको एक चीज चेक करनी है कि देखो कि आपको इस फॉर्म में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं गिवन है, ठीक है। ये ऑप्शन गिवन है पर इसमें वाई नहीं है, तो इसका मतलब एज इट इज नहीं है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है वाई और एक्स में रिलेशन, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हुई है आपको। तो आप यहां से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो एक्स डॉट स्क्वायर तो निकाल सकते हो पर वाई डॉट स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो वाई डॉट निकालोगे तो क्या आएगा, टू ए एक्स, एक बार डेरिवेटिव करना रिस्पेक्ट, ठीक है रिस्पेक्ट में, तो टू ए एक्स और साथ में क्या होगा एक्स डॉट, यह आपका वाई डॉट आ गया। तो वाई डॉट की जगह रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, टी इक्वल्स टू हाफ एम और एक्स डॉट स्क्वायर, और वाई डॉट स्क्वायर की जगह रखोगे तो फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स डॉट स्क्वायर, ये लो। दैट इज मीन्स टी इक्वल्स टू वन बाई टू एम एक्स डॉट स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, वन प्लस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लो आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पता लगने से आपको पता लग रहा होगा इन दोनों में से ऑप्शन आएगा। और देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्या है एमजीएच होगी, एमजीएच का मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। और मैंने कहा था ये रेफरेंस पॉइंट है और इससे ऊपर आप हाइट एच पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो एमजीएच प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस एमजीएच, तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब प्लस आएगी, 101% बात है, प्लस एमजीएच और प्लस एमजीएच है, और आप इसको काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, माइनस एमजीएच, दैट इज मींस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो एमजीएच पॉजिटिव आएगा पर नेगेटिव साइन होने की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस एमजी एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी एमजीएच, एच की जगह वाई, ठीक है। और वाई का इक्वेशन दी हुई है क्या, एम जी वाई की जगह दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर, दैट इज मीन्स एम जी ए एक्स स्क्वायर, और ये रहा एम जी ए एक्स स्क्वायर। तो आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली जो कंसेप्ट बताए गए हैं उनसे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस पे जाएं। एक बार अपन प्रीवियस ईयर की जो एग्जामिनेशन की जो प्रॉब्लम है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद बुक वाइज अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जैसे उपाध्याय की करेंगे, गॉडस्टीन की करेंगे, उसके बाद धीरे 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 जैसे भी एग्जाम अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें दी हुई प्रॉब्लम है उनको अपन सोल्व करेंगे। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो
एग्जाम नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो क्या है, ये भी गेट में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो क्या, कंसीडर टू स्मॉल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास एम, दो ब्लॉक है जिनका मास क्या है एम है, अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, वन ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द वेल, एक स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है, इस दीवार से जुड़ी हुई है, ठीक है। एज सोन इज द फिगर, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज के, द मासेज स्लाइड्स अलोंग द सरफेस एंड द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, द फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द नॉर्मल मोड्स ऑफ द सिस्टम इज, इसमें एक चीज नॉर्मल मोड की बात की गई, नॉर्मल मोड का कंसेप्ट करवा चुका हूं मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कौन सा यहां पे मेथड काम में आएगा, नॉर्मल मोड वाला, और फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो अब इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके अपन क्या करते हैं, सीधी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि अभी तक जितना भी आपने मेथड किए हैं नॉर्मल मोड के, उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, मैंने कहा था कभी भी सबसे पहले क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी ये बता दो, इसके अलोंग ही मोशन कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि क्या है, x1 है और इसका क्या है, x2 है। दैट इज मींस काइनेटिक एनर्जी तो अपने को पता लग गई डायरेक्टली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m, आपको पता है ईच ऑफ मास m है, दोनों का मास m है, तो x1 डॉट स्क्वायर और प्लस x2 डॉट स्क्वायर, ये लो आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताने की जरूरत है, हाफ के इलोंगेशन, यहां एकदम फिक्स्ड है, ये x1 है तो x1 माइनस जीरो तो k x1 स्क्वायर, उसके बाद ये x2 है तो x2 माइनस x1 तो प्लस हाफ k x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये दो चीज आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ओमेगा स्क्वायर t कैप माइनस v कैप इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी के मैट्रिक्स चाहिए, दैट इज मींस काइनेटिक एनर्जी के मैट्रिक्स में बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यदि ये पता नहीं है कि किस तरीके से बनाई जाती है तो स्मॉल ऑसिलेशन थ्योरी वाला जो वीडियो है वो जाके देखें एक बार, मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का एक बार एक्स वन डॉट के रिस्पेक्ट में डबल बार डेरिवेटिव, यानी दो बार, यदि यहां पर क्या होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन डॉट, तो एक्स वन डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो जीरो, टू से टू कैंसिल एम वन, और एक्स वन डॉट तो क्या आएगा, एक्स वन डॉट का फिर से करोगे तो एक्स वन वन हो जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ एम, ठीक है। उसके बाद क्या था, पहले एक्स वन डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा ये जीरो, और एक्स वन डॉट के फिर से रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो, क्योंकि यहां जो टर्म आती है ना वो ये आती है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स वन डॉट डेल एक्स टू डॉट, दैट इज मीन्स पहले आप एक्स टू करो फिर एक्स वन डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, दोबारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन सेम जीरो ये पार्ट, उसके बाद आपका डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू डॉट, तो एक्स टू डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो वापिस सेम आएगा, ये लो काइनेटिक एनर्जी क्या। उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बनानी है तो सेम सिचुएशन है, ये एक्स वन डॉट के हुए थे उसमें एक्स वन और एक्स टू के होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी x1 के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आएगा, देखो इसका मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको, क्या आएगा k x1 फर्स्ट बार डेरिवेटिव करोगे तो, ठीक है। उसके बाद प्लस इसका क्या होगा k x2 माइनस x1, और x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए माइनस, ये लो दोबारा जब डेरिवेटिव करोगे x1 के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा k, ये टर्म जीरो और ये माइनस माइनस प्लस k, दैट इज मींस 2k, ये लो तो 2k, ठीक है। अब यहां पे पहले इसका x1 के कर लो फिर x2 के करोगे तो क्या आएगा, x1 के रिस्पेक्ट में कर लिया x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो तो सिर्फ क्या आएगा माइनस का के, तो ये लो माइनस का के,
यहां पे क्या होगा, पहले x2 के रिस्पेक्ट में होगा, x2 के रिस्पेक्ट में होगा तब क्या होगा इसका, देखो हैस टाइम x2 के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, x2 के रिस्पेक्ट में होगा तो x2 के रिस्पेक्ट में ये टर्म जीरो और ये कितना आएगा, x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा इसका k x2 माइनस x1, और x2 के रिस्पेक्ट में वापस करोगे तो k आ जाएगा, यही आएगा क्योंकि ये जीरो तो k का वन तो k आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म का x2 के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव करना है, दो बार डेरिवेटिव करना है इसका x2 के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो ये आ गया और x2 के करोगे तो वापस से k आएगा, ये मैट्रिक्स आएगी आपकी, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आने के बाद आपको कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन, ये आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, तो मतलब क्या आएगी इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर एम जीरो और जीरो ओमेगा स्क्वायर एम और माइनस क्या आएगा वी, वी का मतलब टू के और माइनस का के और के और के, ये लो ठीक है। अब इक्वेशन को सोल्व कर डालो फटाफट, ध्यान रखना भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस थोड़ा सा बाकी सिस्टमेटिक मेथड से चलना आपको कंटिन्यू। देखो किस तरीके से सोल्व करोगे, क्या आएगी, हाँ ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के, उसके बाद जीरो जीरो प्लस के, जीरो माइनस के और ओमेगा स्क्वायर एम और माइनस के, ये लो साहब ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ये सॉरी माइनस टू के भाई, ध्यान रखना इसका ठीक है, वो टू के, इसको सोल्व कर डालो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर एम माइनस टू के और ओमेगा स्क्वायर एम माइनस के, मल्टीप्लाई किया दोनों को, ये करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी आपकी जो भी है, तो देखो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, ओमेगा की पावर है फोर एम स्क्वायर, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर एम के, वो भी माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का टू के एम ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस के स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस के स्क्वायर आ जाएगा यहां से। तो एज ए टीज अपने को करना क्या है, एज ए टीज अपने को सोल्व इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे अपन, ओमेगा की पावर फोर एम स्क्वायर और ये कितना हो गया थ्री एम के ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है तो इसका सोल्व करने के लिए क्या करोगे, देख ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स क्योंकि पावर फोर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का बी, माइनस बी का मतलब माइनस ऑलरेडी है तो प्लस थ्री एम के, बी की जगह यही तो है, उसके बाद प्लस माइनस और रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर का मतलब क्या है नाइन एम स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी का मतलब क्या हो गया फोर ए की जगह क्या है एम एम स्क्वायर और सी की जगह के स्क्वायर अपॉन टू ए यानी टू और ए की जगह एम स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, देखो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी में जो भी प्लस वाला पूछा गया है इसलिए माइनस वाला तो है नहीं, तो प्लस वाला साइन काम में लोगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री एम के कॉमन आ जाएगा यहां से, एम के प्लस माइनस प्लस ले लो एम के रूट फाइव बाई टू और एम स्क्वायर, तो एक एम से एम कैंसिल ठीक है,
तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ओमेगा बराबर रूट देखो क्या आया, जैसे ओमेगा निकालोगे तो रूट लग जाएगा और रूट में क्या आएगा थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू और ये के और ये नीचे वाला एम, इसको साइड में दिखा दो आप, रूट इनके भी लगेगा रूट के बाई एम, दैट इज ऑप्शन। अब चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है, थ्री प्लस रूट टू ये भी ऑप्शन नहीं होगा, थ्री रूट थ्री भी, रूट फाइव ऑप्शन एक में ही क्यों है, ये रूट सिक्स है, ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी कैसा भी क्वेश्चन आए, नॉर्मल बोर्ड पे आए, किसी पे भी आए, क्लासिकल में कोई भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है ना। अब देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिकल, यदि कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे 101% बात है कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, 101% बात है आपकी, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए उसके लिए कह नहीं सकता, बाकी क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, चेक करते हैं अपन, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, ये भी गेट में पूछा गया था, देखो क्या पूछा गया, पहले केयरफुली रीड करें क्वेश्चन को। ए बेड ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन अलोंग ए मासलेस रोड कैप्ट एट 45 डिग्री, देखो ए रोड रखी हुई है 45 डिग्री पे, ठीक है, द वर्टिकल सोन इज द फिगर, द रोड इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एट एनी इंस्टेंट आर इज द डिस्टेंस ऑफ द बेड फ्रॉम द ओरिजन द मोमेंटम कॉन्जुगेट टू आर। तो मैंने बोला था जब जर्नलाइज मोमेंटम कराया था तो कॉन्जुगेट मोमेंटम जर्नलाइज मोमेंटम एक ही बात है, तो आपको क्या पूछा है आर के रिस्पेक्ट में जर्नलाइज मोमेंटम पूछा है, इसका मतलब पी आर पूछा है, पी आर का मतलब क्या हो गया डेल एल अपॉन डेल्टा आर डॉट पूछा है। अब ये करने के लिए सबसे पहले आपको लैग्रांजियन चाहिए और इसका वर्टिकल प्लेन के ऊपर एक स्फीयर पे मास मूव करता है, पार्टिकल स्फीयर पे मूव करता है, तो मैंने करवा चुका हूं लैग्रांजियन क्या होता है, स्फेरिकल वाला हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर और माइनस एम जी और आर कॉस थीटा, यही था क्या, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीजें दी हुई है, देखो ओमेगा दिया हुआ, इसका मतलब फाई डॉट दिया हुआ आपके पास, फाई डॉट का मतलब क्या हो गया ओमेगा भाई, डी फाई अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा, थीटा कितना दिया हुआ है अपना थीटा इज पाई बाई फोर, ये दिया हुआ पाई बाई फोर, इसका मतलब थीटा डॉट तो कितना हो गया जीरो, कॉन्स्टेंट है तो ये टर्म तो सिलेक्ट गई, तो क्या आ गया देखो एल इक्वल्स टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया 45 वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू का मतलब वन बाई टू, तो वन बाई टू, उसके साथ फाइ डॉट स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस 45 का मान वन बाई रूट टू, तो एम जी आर बाई रूट टू, ये लो आपका लैग्रांजियन। अब आपको सिर्फ पी आर निकालने के लिए आर डॉट के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करना है, तो आर ये तो टर्म जीरो सारी, टर्म कितनी आ गई टू एम आर डॉट अपॉन टू, दैट इज मीन्स एम आर डॉट, और एम आर डॉट में ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैनोनिकल मोमेंटम या कॉन्जुगेट मोमेंटम के क्वेश्चन भी कर सकते हो, यदि आपको कुछ लैग्रांजियन में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ के लैग्रांजियन तो आपको पहले से ही पता होंगे कि इसका लैग्रांजियन ये आएगा और इसका सिर्फ डेरिवेटिव करना है एक बार, तो तुरंत ऑप्शन मतलब ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको क्या होती चली जाएगी कैलकुलेशन इजी होती चले जाएगी, क्वेश्चन रिलेट होते हुए चले जाएंगे और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है क्वेश्चन करने का वो बहुत ही कम हो जाएगा। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेट में पूछा गया है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन, अब ये भी क्वेश्चन नेट गेट में पूछा गया था, देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन पे है, इफ द लैग्रांजियन एल नॉट हाफ एम डी क्यू बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज द मॉडिफाइड टू एल इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल्फा क्यू डी क्यू बाई डी टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि देखो ये लैग्रांजियन आपका ओल्ड लैग्रांजियन है, ये कौन सा लैग्रांजियन है ओल्ड लैग्रांजियन, ये मैंने बताया था पहले ही बात ओल्ड लैग्रांजियन है, और ये कौन सा लैग्रांजियन है
मॉडिफाइड लैग्रांजियन, मॉडिफाइड लैग्रांजियन। तो अब याद करो दो चीजें मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे इसके ऊपर कि लैग्रांजियन गेज ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर ऑलवेज जो इक्वेशन मोशन है वो क्या रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। बट कैनोनिकल जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, फॉर ए स्पेशल कंडीशन के अंदर जो कैनोनिकल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। बेसिकली वहां पे जहां फंक्शन ओनली टी का होगा वहां की बात की जाए। तो वैसे देखा जाए तो दो चीज है, ऑप्शन पढ़ो पहले। तो देखो पहला पहले लास्ट ऑप्शन से पढ़ते, देखो बोथ द कैनोनिकल मोमेंटम एंड इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज, दैट इज मीन्स ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो कभी चेंज होगी नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल। सी ऑप्शन है कैनोनिकल मोमेंटम डज नॉट चेंज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कैनोनिकल मोमेंटम चेंज हो सकता है, कैनोनिकल मोमेंटम चेंज होगा, कोई स्पेशल टाइप उसी में चेंज नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कैनोनिकल मोमेंटम चेंज इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, हाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए बोथ द कैनोनिकल मोमेंटम एंड इक्वेशन ऑफ मोशन नॉट चेंज, तो इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। बट यहां पे देखो यदि ये मॉडिफाइड जो लैग्रांजियन है ये ओनली टी का फंक्शन होता तो क्या होता, ठीक है, पर यहां पे क्यू और है, ठीक है, दैट इज मींस कैनोनिकल जो मोमेंटम है वो चेंज होगा। तो दैट इज ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, कैनोनिकल मोमेंटम इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ये हो जाएगा। बट देखो इसको आप निकाल भी सकते हो, क्या करना है आपको, किस तरीके से, पहले इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, चेक करो इक्वेशन ऑफ मोशन सेम आएंगी, उसके बाद इसके डी क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में और इसका डी क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में मोमेंटम निकाल लो, देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा। बट यदि इतना करने से ज्यादा है कि बेनिफिट अपने ट्रिक्स से चले, अपने जो कंसेप्ट है उन्हीं को यूज करते चले, तो ऑप्शन आपका डायरेक्ट हिट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें कि कैनोनिकल मोमेंटम तो चेंज होगा बट इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, कहीं भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ जो कंसेप्ट था उसी से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, और जो नया टॉपिक है वो भी स्टार्ट करेंगे कल से। अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पहले हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन में क्या रिलेशन है, इनमें जो कंजर्वेशन है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और किस तरीके से टोटल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, और किस तरीके से अपन हैमिल्टोनियन कंजर्वेशन चेक करते हैं उन पे अपन देखेंगे। उसके बाद अपन धीरे धीरे क्लासिकल मैकेनिक्स को आगे बढ़ाएंगे, फिर हैमिल्टोनियन को चेक करें देखेंगे, उसके बाद हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन के जो वापस रिलेशन है वो चेक करेंगे, उसके बाद लेविस वीटा टेंचर, स्पेस ट्रेजेक्ट्री, और उसके बाद जो सेंट्रल फोर्स मोशन है उसका वीडियो, उसके बाद धीरे 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 अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं जैसा भी आपको लगा हो, और क्लासिकल मैकेनिक्स में बने रहें, फिर मिलेंगे, जय हिंद।